अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और आलू के पराठे आज आफिया की फरमाइश है। सुबह सुबह उठी है और लुकमान गया था यूनी, तो उसका फ़ोन आया कि मेरे लिए मामा नाश्ता बना दे, तो उसके लिए बना रही थी पराठे। उसको पता नहीं क्यों खुशबू आ गई, कह रही आप जो आलू डालते वो वाली रोटी बना रही हैं। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा आपका दिल कर रहा है, कहती हाँ जी। तो उसके लिए मैंने सुबह सुबह आलू बॉयल करके रख लिए थे। बच्चे घर हैं छोटे ना, लुकमान को इसलिए छुट्टियाँ नहीं होती क्योंकि लुकमान दूसरे सूबे में जाता है, वो वीस बादन उन्नी में जाता है। तो वीस बादन और जो मायज है ना वो साथ साथ है, लेकिन हमारा जो सिटी है किसी और सूबे में आता है और उनका किसी और सूबे में। जब भी छोटे बच्चों को छुट्टियाँ होती उस बेचारे को छुट्टियाँ नहीं होती क्योंकि वो दूसरे सूबे में। अच्छा, मुझे बड़े लोगों ने पूछा हमारी तरफ तो कोई हॉलीडे तो शुरू नहीं हुई, आपकी कैसे स्टार्ट होगी? तो ये समर हॉलीडेज़ नहीं है, ये वैसे एक वीक ही हमें छुट्टियाँ हुई हैं। जैसे आप लोगों के अप्रैल में 2 वीक की थी ना, हमारे 1 वीक की थी। हमारी जो छुट्टियाँ ना, इन लोगों ने खिलार पलार दी हैं। खिलार पलार मतलब कि दिसंबर में होती हैं, फिर होती हैं फरवरी में 1 हफ्ते की, फिर होती हैं अप्रैल में 1 हफ्ते की, फिर मई में 1 हफ्ते की। हमारी इन्होंने ऐसे किया हुआ है ना कि बच्चे जो है 2-2 महीने पढ़े छुट्टियां करते हैं, 1-1 हफ्ते को उनको ब्रेक मिल जाए। ठीक, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन होता है ना बंदा प्लान, जैसे हम लोग देसी बेचारे सलाह करते रहने किसी पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाना है। तो हमारे जो जिस साइड पर मैं रह रही हूँ ना, स्वाय समर के बाकी किसी महीने में 2 हफ्ते की भी छुट्टियां नहीं होती, मर के दिसंबर में 10 दिन 12 दिन की होती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, जो हम बेचारे पूरा साल सोचते हैं इस महीने जाएंगे इस महीने जाएंगे, इस छुट्टियां आएंगी इस छुट्टियां। तो अब गर्मियों में जाने का कोई हाल नहीं है पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा गर्मी, यहाँ पर इतनी गर्मी तो वहाँ तो और ही गर्मी हो जानी है ना। तो मुझे सब कह रहे थे आपको इतनी जल्दी छुट्टियाँ होगी, हमें तो नहीं, तो सानू छुट्टियाँ नहीं होंगी, सानू 1 वीक दी होंगी ना, बाकी तुम स्कूल आराम ना प्यार मोहब्बत ना जाओ, सवेरे सवेरे उठ के असी सोना में सानू सोन की रेस्ट मिली है। तो खैर, मैं अभी आप कहते होंगे कहाँ गई हुई, तो मैं लुकमान के साथ आई हूँ बैंक। लुकमान को हुई थी छुट्टी, तो उसको मैंने नाश्ता करवाया साथ में, उसको लेके आई हूँ बैंक में। लुकमान मेरे साथ था क्योंकि बैंक में 2-3 काम है, वो इसके बगैर होने नहीं थे, या इसके बाबा के, तो बाबा इसके हत्ते चढ़ते नहीं है। जब मेरा कोई काम होता है ना बैंक के रिलेटेड या कोई दफ्तर के, मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मेरे पास साफ सुथरा रहे बाकियों के, क्योंकि जो बंदे हैं ना मर्द जरात, उनके जितने मर्जी बिल चढ़े, जितने मर्जी उनके कागज़ पत्र इधर उधर हो, उनको कोई टेंशन होती नहीं होती, मुझे बड़ी अपनी होती है। तो मैंने लुकमान को साथ लाई हूँ, इसको इधर लेके जाऊँगी, इसके बाद मेडिकल स्टोर जाऊँगी कि बच्चों को ना शू शुरू हुआ है आजकल, ये जो ना वबा आई हुई है हर तरफ नोज़ी की और खांसी की। तो डॉक्टर के पास थोड़ा कम जाते हैं, ये है कि चलो यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि इतना नहीं था कि बंदा डॉक्टर के पास भागा जाए। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा था मिशाल को और लुकमान को, तो मुझे ये था बच्चों को छोटों को ना शुरू हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से आई हूँ तो मैं इनका कुछ सिरप वगैरह कुछ ऐसे बता के उनसे ले जाती हूँ। तो ये 2-3 इनको पैकेट देंगे, 30 यूरो लग गए। अगर मैं डॉक्टर के पास जाती ना 5-5 यूरो की पर्चियाँ लगनियाँ सी, पर साढ़े जो थोड़ी सुस्ती भी होंगी ना डॉक्टर को जान दी। तो अभी आफिया बाजी तैयार हुई, इसकी दोस्त तैयार हुई, इसकी एक और दोस्त की थर्ड वाली दोस्त की है बर्थडे, तो वहाँ ये दोनों जा रही हैं पजामा पार्टी कह ले, वहाँ उन्होंने बॉलिंग पे लेके जाना है, जो बॉलिंग ना छोटे बच्चे खेलते वहाँ पे उनका इंतजाम है। तो उन्होंने यही कहा था टी शर्ट्स और ट्राउजर वगैरह पहन के आना ना। तो मिशाल ने उसके बाल बना दिए कस कुस के, उसके वो जेल शेल लगा के, वो नहीं लगाती। मिशाल ने कहा था नहीं, इसके बाल बड़े आगे आगे आते हैं तो ये ईजी रहेगा। तो खैर उसकी पूनी शूनी कस कुस उसके भेज दी है, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी बड़ी लग रही थी ना। तो मैं बनाने लगी हूँ अब मटन पुलाव, इसको मैंने बॉयल करके रख लिया, दूसरी तरफ तड़का शड़का जल्दी से भून रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना जब से शाम का टाइम होता है ना, फिर इन्ना दिल कर देना कि चावल खाने कुछ खाने, क्योंकि रोटी खाने को बार बार दिल नहीं करता, गर्मी में तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। तो अभी मैं सोच रही थी मैंने क्या किया, मैंने दोपहर कोई ना प्रेशर लगा के रख दिया, अगर आप गोश्त बाल लेना फिर बड़ा मज़ा आता कि शाम बस मसाला भुनना है तो पुलाव बना लेना। तो अब मैं इसके लिए तड़का भून रही हूँ, साथ मैंने एक प्लेट में सारे मसाले जो काट कूट के ना वो मैंने डाल देंगे, साथ मैंने बिरयानी मसाला डाला है। नमक मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि नमक मैंने यखनी में भी डाला हुआ है, जब चावल शावल डालूंगी ना फिर नमक चख चुख के तो फिर मैं पावांगी। तो अभी मैं ये पिछले टाइम 4-5-6 बजे का टाइम कह लें तो मैं बना रही थी पुलाव। तो कभी कभी ना इंज भी दिल करता है, यहाँ तो तुम सोफे पर बैठे हो तो बैठे हो, जैसे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ आती है ना तो फिर ना दिल करता है उस जगह से उठ के चले जाएं, क्योंकि हमारे पंखे भी अभी केलर में पड़े हैं, वो भी लिया लगता सीधियाँ गर्मियाँ जी गर्मी से काट लेने, इतने सुस्त लोग हम, मैंने कहा हाय हद ही मुक्की पी साड़ी सच्ची। तो आज मैंने मस्त निकाल के लेके आने हैं ऊपर बच्चों के कमरों के भी और नीचे वाले, बहुत गर्मी नीचे खास बहुत गर्मी होती है। तो भी मैंने ना थोड़ा सा गोश्त में ना वो अंडा कह रही हूँ दही डाला है उसकी बनाई की है, और अब यखनी मैंने ऐड कर दी, 2 कप मेरे चावल थे और 4 कप मैंने पानी डाला है। तो अब जैसे पानी का बॉयल आएगा तो मैं चावल डाल के
तो फिर मैं बाद में ना कुछ आज मेरा दिल कर रहा था फेस मास्क लगाऊं, फेस पैक बना के लगाऊं, ठंडा ठंडा फेस को ज़रा टकोर शकोर करके ना ठंडी ठंडी जंज गर्मी आ गई ना, तो आजकल बड़ा दिल कर रहा है जैसे आलू के मैं पानी बना के रखूं, इसके क्यूब्स खीरे के रखूं, ऐसे मैं करूंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैंने ना चावल के अंदर गरम मसाला और जीरा डाल के रख दिया, मैंने कहा जैसे पानी खुश्क हो फिर दम लगा दूँ, कुतरी मैं मास्क लगा लूँ, गर्मी लगती है ना किचन में खड़े होकर, तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर लेती हूँ। बेसन लिया मैंने एक चम्मच और दही लिया साथ, थोड़ा सा मैंने शहद डाला है, तो इसको मैं गोल गाल के ना मैं भी आपको दिखाती हूँ। इससे पहले ना मैं जैसे चावल बना रही थी ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ना ठंडी बर्फ़ ले लें आप, अगर आपके पास क्यूब्स बनी है जैसे एलोवेरा की, आलू के पानी की या खीरे की, मैंने अभी नहीं बनाया, मेरा दिल कहा था मैं वो बनाना ना फ्रीज़ कर दूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास ना फ्रीज़र में रोला होता है ना, ये मैं एक्शन मार्केट से लेके बड़ा ईजी आराम से इसको निकाल लें, एक तो ये ना इसके कतरे भी नहीं गिनते, आराम से फेस पे मैं इसको मसाज करूँगी अच्छी तरह, मैंने बल्कि कर लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ बस, और इसको फिर मैं वॉश करके ना फ्रीज़र में रख दूँगी, तो बड़ा ईजी है। तो उसके बाद मैं लगाऊँगी मास्क, इसको मैं पहले फ्रिज में रखूँगी फिर मैं लगाऊँगी। तब दम पे चलेंगे चावल, चावल जैसे दम पे गए बाद में आके खोलते, पहले ना दो दिन तीन दिन से पहले मैं जो लेके आई थी ना चप्पलें, मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाती हूँ, ये आफिया के मैं लेके आई थी हाउस शूए कह लें या बाहर, क्योंकि गर्मी है ना तो आजकल बच्चों को ये होता है इजी इजी चप्पल पहन के बाहर निकल जाए, तो मुझे ये था कि अच्छी से लेके जाती हूँ। ये ना उन्होंने डाइशमेंट में 10 यूरो की लगाई है 20 से काट के, सेल में थी, और ये पूरी कीमत में अफान साहब मेरे साथ गए तो वो अपनी लेके आए 17 यूरो की, 18 की है या 17 की है, अपनी मर्जी की लेके, क्योंकि उसके अंदर होल्स है ना, तो जराबे पहनते। अच्छा ये बड़ा मसला है गर्मियों में भी बच्चे जराबे नहीं उतारते, तो वो जराबे पहन के ना भाग भाग के तो डैशबोर्ड से देख रहा था कि मैं इधर फिसलता था नहीं हूँ, पर वो ले आए अपने ये, तो ये देखें जी मैं क्यों पीछे रहा, मैं गई मैं भी ले आई, ये 50% ऑफ पे थी, 24 की थी या 25 की थी, तो मुझे पड़ी है 12.5 यूरो की, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं पहन लूँ, मिशाल पहन ली, जिसने पहननी पहले, मुझे कलर बड़ा अच्छा लगा, मैं क्या जो चमकती चप्पल लेके जानी तो खैर ये देखे जी मशीन में दिखा रही हूँ, मिशाल बर्तन लगा देती और चला भी देती है, और बिल्कुल बर्तन साफ नहीं करे, फिर मुझे सारे निकाल के ऐसे में फेंक रही हूँ, हाथ के साथ धोती हूँ, आज मैं शायद जाऊँ मीडिया मार्केट, मेरा भी कम करके आएगी, एक चीज़ ले आओ तो दूजी खराब हो जाती, पता नहीं मशीन में की मसला है, मैं केड़ी दवाई नहीं यूज़ की, बर्तन नहीं वाश कर रही ना, और इसका एक जो नीचे से पंखा घूमता है वो भी टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो खैर देखते हैं क्या बनता है। तो अभी पुलाव का ना मैंने क्या कहते हैं इसका कवर उतार लिया, दम मतलब दम जरा तो कुटिया था दम से खोल लेते कि सा आ जाए थोड़े जे, तो अब मैं चावल डाल रही हूँ, ये देखें जी चावल हो गए डन, बड़े मज़े के बने थे, साथ में खीरे का खीरा लूँगी, साथ में लूँगी चटनी, तो ये प्लेट बना रही हूँ अपनी, अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने लगी हूँ कि ये मेरी प्लेट है, लेकिन इसके अंदर से थोड़े से चावल मैंने छोड़ दिए थे, सारे नहीं खाए थे, तो चलो जी इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।